अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फरिया परवेज, FPTV के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अल्हम्दुलिल्लाह, आज माशाल्लाह 28वां रोज़ा है और 28वें रोज़े की नस्बत से आपके साथ अहादीस और हम लोग तमाम रमज़ान मुबारक में जितनी भी चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहे हैं, मैं आज यही हैरान हो रही हूँ कि कैसे एकदम से 28वां रोज़ा आ गया और किस तरह से देखें महीना कैसे पर लगा के उड़ जाता है। और सोने की कान है, ये भी एक हदीस है कि ये जो वक्त है, ये जो महीना है, ये सोने की कान है, इसमें से हम जितना चाहें जो ख़जाना है वो हम इसमें से इबादत के ज़रिए हम वो अपने नसीब में लिख सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि कौन से लोग अफजल हैं। आपने फरमाया, हर मखमूमुल कल्ब और ज़ुबान का सच्चा। उन्होंने पूछा, हम जानते हैं कि ज़ुबान का सच्चा होना क्या है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मखमूमुल कल्ब क्या है? आपने फरमाया, अल्लाह से डरने वाला साफ़ सुथरा कल्ब, एक ऐसा दिल जो अल्लाह से डरता हो, जिसमें कोई गुनाह, नाइंसाफ़ी, नफ़रत या हसद मौजूद ना हो। आज आपके सामने ये हदीस बयान करने से पहले मैं ये सोच रही थी, जब मैं सारी जो हमारी मेरी जो रिसर्च की टीम है उनके साथ बात हो रही थी, तो हम यही सोच रहे थे कि ऐसा कोई ऐसा शख्स होगा क्या हमारे इर्द गिर्द जिसका कल्ब इतना क्लियर हो और कि जिसमें खुदा का खौफ हो, अल्लाह ताला से डरने वाला खौफ वाला दिल हो और साफ़ सुथरा दिल हो, जिसमें कोई गुनाह, नाइंसाफ़ी, नफ़रत या हसद मौजूद ना हो। सो अल्लाह ताला करें इंशाल्लाह हम सारों को ऐसी ही खसलतें हम में पैदा कर दें, क्योंकि अगर आज हम एक एक लफ्ज़ को बैठ के गौर करना शुरू करें और लिखना शुरू करें, सो हो भी सकता है, इतना मुश्किल काम तो नहीं है। नाइंसाफ़ी अगर हो रही है, एटलीस्ट सबसे पहले तो हमें यही कहा गया कि अगर कहीं ऐसी कोई चीज़ देखो तो उसको जो सबसे वीकर तरीक़ा है किसी बात, किसी बुराई को रोकने का, वो ज़बान से रोकने का है। जो नाइंसाफ़ी अगर हो रही है, अगर आपसे हो रही है, तो बिल्कुल ना करें और कोशिश करें कि हम ना करें, बिकॉज़ ये कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। और नफ़रत तो ज़ाहिर है, नफ़रत एक ऐसा अमल है कि जिससे हर चीज़ ही आप अपने आप से दूर कर देते हैं, सिर्फ इतनी सी फीलिंग अपने अंदर क्रिएट करके कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या ये इस तरह की कोई भी बातें, वो नफ़रत अगर हम कोशिश करें तो हम मेरा ख्याल दूर कर सकते हैं। और हसद, ज़ाहिर है हसद भी हमेशा ऐसी ही बातें देख के महसूस होता है कि किसी के पास कुछ ज़्यादा हो और हमारे पास उसमें से एक आधी चीज़ भी ना हो तो हम सोचते हैं कि यार मेरे पास ये क्यों नहीं है। सो कहने का मतलब ये है कि ये सारी बातें अगर हम चाहें तो ये कोई इतना मेजर इशू नहीं है। सबकत ले जाएँ नेकियों में, सबकत ले जाएँ अच्छाइयों में, सबकत ले जाएँ मोहब्बत में, एक दूसरे के साथ शफ़क़त में, वो हमारी जीत है। और मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला इतने रहीम, इतने करीम हैं कि वो हमारी इतनी छोटी छोटी जो मामलात हैं उससे हमें हर अक्सर हम पढ़ते हैं कि वो माफ़ कर देते हैं, वो इतने रहम दिल हैं। सो इस तरह की सारी बातों के साथ तो मेरा ख़्याल है कि बहुत आसान है, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें इंशाल्लाह। और साथ ही बहुत खूबसूरत मैंने एक कलाम पढ़ा था अल्लामा इकबाल साहब का, जो बहुत ही पसंद किया गया, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ चंद उसके अशआर शेयर करूं। तू है मोहित बे हम कनार कर, या मुझे हम कनार कर,
या मुझे बेकरार गे सोए ताबदार को और भी ताबदार कर, होशो खिरद शिकार कर, कल्बो नजर शिकार कर, गे सोए ताबदार को इश्क भी हो हिजाब में, इश्क भी हो हिजाब में, हुस्न भी हो हिजाब में, या तो खुद आशकार हो या मुझे गे सोए ताबदार को। बहुत खूबसूरत शेर है। बागे बहिश्त से मुझे, बागे बहिश्त से मुझे हुक्मे सफर दिया था क्यों, कारे जहां दराज है, कारे जहां दराज है, अब मेरा इंतजार कर गे सोए ताबदार को, और भी ताबदार कर, होशो खिरद शिकार कर, कल्बो नजर शिकार कर, गे सोए ताबदार को। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल हाजिर होते हैं 29वें रोजे के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।